अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेटिंग यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को बहुत तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, एक्स एंड वाई को सॉल्व किया है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। अभी हम जरा क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली टॉपिक इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखना है। सो 3x - 4y = 10, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे 4x + 3y = 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को आपका फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में ही आना चाहिए और सेकंड इक्वेशन सेकंड में ही आना चाहिए, ताकि आप लोगों की गलती ना हो। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड लिख लिया। जब हम वैल्यूज को निकालते हैं तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन होता है। जैसे a1 की वैल्यू आपका कंपैरिजन इसके साथ होगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ऐसे दो इक्वेशंस को कंपैरिजन किया जाएगा और इन दोनों इक्वेशंस में, जैसे अभी मान के चलिए ये इक्वेशन इसके साथ कंपेयर होगा, उसके बाद ये इक्वेशन आपको इसके साथ कंपैरिजन में मिलेगा, ठीक है। तो इनके वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, तो देखिएगा इसके वैल्यूज कैसे होंगे। फर्स्ट आपको a1 की वैल्यू मिल रही है 3, b1 की वैल्यू मिल रही है -4 और c1 की वैल्यू 10। सिमिलरली a2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा क्या है 4, b2 की वैल्यू आपको 3 एंड c2 की वैल्यू आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। लेकिन क्रैमर्स रूल में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल डी निकालना। तो कैपिटल डी के लिए आपका फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। a1 की वैल्यू क्या है 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3, a2 की वैल्यू 4। ओके, आपको यहां पर क्या मिलेगा, कट करो, पॉज करो। ओके, लुक, अभी देखिए यहाँ पर आपको दो वैल्यूज का कंपैरिजन करके हमने वैल्यूज को लिख लिया है। अब उसके बाद हम डी में इसको पुट करेंगे। सो डी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a1 b1 a2 b2, ठीक है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपने जो मेथड यूज़ किया था बाकी के क्वेश्चंस में, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है, सेम इसी तरीके से। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 × 3 माइनस ऑफ -4 × 4। कभी भी ध्यान में रखिएगा कि जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो मिडल में आपको माइनस का साइन आता ही है, तो आपको ये माइनस के साइन को बराबर लिखना है। अगर इनमें से कोई भी नंबर माइनस हो तो उसका रिएक्शन होगा। तो देखते हैं 3 × 3 = 9, -×-+ 4×4 = 16, सो योर आंसर इज 25। ओके, अब हमने सिर्फ डी निकाला है, अभी हमें क्या करना है, डीएक्स निकालना है। तो देखिएगा डीएक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। a1 a2 के जगह पे आएगा c1 c2, सो c1 एंड c2, b1 और b2 जैसे का वैसा रहेगा। तो देखिएगा हम अभी dx निकाल रहे हैं तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। c1 की वैल्यू कितनी है 10 और c2 की वैल्यू 5, b1 कितना है -4 और आपको b2 3 मिल रहा है। सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अरेंज होगा। सो 10 × 3 माइनस ऑफ -4 × 5, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 30 हो गया, -×-+ 4×5 = 20, सो योर आंसर इज 50। ओके, अभी एक वैल्यू हमें और निकालनी है तो हम इसको केयरफुली निकालते हैं। तो देखिएगा
हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy निकाल रहे हैं, तो dy में आपको c1 c2 के जगह पे a1 a2 ही रखना, माने आप d को कंसिडर कर सकते हो a1 a2 जैसे का वैसा, ओके। और b1 b2 के जगह पे आएगा c1 c2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी तरीके से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 4, c1 है 10 और c2 है 5। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो आपको तो मेथड याद ही है, क्या करेंगे हम इस वैल्यू को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे अरेंज। तो देखिएगा 3 5 से कितना हो जाएगा, 3 × 5 -10 × 4, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 और यहां पर हो जाएगा 14। सो योर आंसर इज 25, लेकिन कौन सा 25, माइनस वाला, ठीक है। हमारा यहां तक तो आ गया, अभी हमें आगे का पोर्शन देखना है। तो देखिए हम आगे का पोर्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d मिलेगा, ओके dx अपॉन, ओके। अभी यहां तक तो हमने निकाल लिया वैल्यू, अब उसके बाद आगे के पोर्शंस को देख रहे हैं। तो आपको जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लिखोगे dx अपॉन d। तो देखिएगा हमने dx की वैल्यू को क्या फाइंड आउट किया है, 50, तो हम यहां पर पुट करेंगे 50 और d कितना निकाले थे हमने 25, तो हम लिखेंगे 25। तो आपको याद होगा 25 टू जा कितना होता है 50, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद आपको y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d लेना पड़ेगा। तो dy की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, -25, सो डिवाइडेड बाय 25, सो योर आंसर इज जस्ट ओनली 1, बिकॉज 25 अपॉन 25 इज 1। समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, ओके। इस तरीके से हमारा यहां पर फिनिश हो गया, ओके। अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन देखने के बाद सब क्वेश्चन नंबर 2 से 5, मतलब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। तो 6 में से फर्स्ट हमने बता दिया, सेकेंड टू फाइव मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको सेम मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व किया। किसका, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 की तरह सेकेंड टू फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो आपको सेम मिलेंगे। तो सिर्फ वहां पर नंबर चेंज हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ है, दैट्स वाई हम एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन 6 है, जिसमें आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन नंबर में मिल रहा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसका कंपैरिजन a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 के साथ करेंगे, ओके। अब देखिएगा कंपैरिजन में आपको a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है या इक्वेशन नंबर 2 मिल रहा है, सो एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम मिल रहा है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में भी 2 है और राइट साइड में भी 2 दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई by 2 on both side कर देंगे, जिसके वजह से 2x minus 2 into y upon 2 is equals to 2 into 1/2 मिलेगा। तो आपको तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो ये 2 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 2x minus y is equals to 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसका कंपेयर करेंगे फॉर्मूले के साथ a2x plus b2y is equals to c2, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी
वन। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। आगे आपको यहां पर देखना है डी इज इक्वल्स टू ए वन ए टू बी वन बी टू इज इक्वल्स टू, वैल्यू को पुट आउट करेंगे यहां पर, ए वन की वैल्यू कितनी देखिएगा टू, ए टू की वैल्यू टू, उसके बाद बी वन थ्री और उसके बाद बी टू माइनस वन। वैल्यू को जब निकालेंगे तो आपको तो याद होगा हमने एक टर्म यहाँ पर लिया था जिसमें ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इस वैल्यू को जब अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू टू, सो माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। हमने सिर्फ डी निकाला है, आगे की वैल्यू हम अभी देख रहे हैं। ओके, हमने डी निकाल चुके हैं, अभी हम देखेंगे डी एक्स। लेकिन आपको तो याद होगा डी एक्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिया था जिसको सी वन अपॉन सी वन सी टू और यहाँ पर आपको बी वन बी टू, माने आपको डी में ए वन ए टू की जगह रिप्लेस करके सी वन एंड सी टू लिखना पड़ेगा और इनकी वैल्यूज को निकालनी पड़ेगी। तो देखिएगा सबसे पहले हम सी वन की वैल्यू को पुट आउट करेंगे, सी वन कितना है टू और सी टू कितना है वन, ओके। और बी वन बी टू तो हमने यहाँ पर निकाल के रखे हैं, बी वन और बी टू थ्री और माइनस वन है, तो हम थ्री माइनस वन लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको तो याद होगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर अरेंज किए थे उसी तरीके से ये माइनस वन टू की तरफ चला जाएगा और थ्री की तरफ वन चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन, सो योर आंसर इज माइनस टू माइनस थ्री, सो योर आंसर इज माइनस फाइव, ओके। अब उसके बाद हम सेकेंड देख रहे हैं डी वाई। डी वाई के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा, ए वन ए टू सी वन सी टू लेते हैं हम। तो ए वन की वैल्यू क्या थी, ए वन ए टू की वैल्यू थी टू एंड टू, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे टू टू। सी वन सी टू कितना निकाले थे हमने, टू एंड वन। तो याद होगा हमने जिस तरीके से इसको क्रॉस किए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्रॉस करने वाले हैं सेम इसी तरीके से। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर जब इसको अरेंज करेंगे तो टू इंटू वन माइनस टू इंटू टू, सो योर आंसर इज टू माइनस फोर, योर आंसर इज माइनस टू मिलेगा, ओके। अभी हमें दो चीज़ें निकालने की बाकी है, फर्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी होता है, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस फाइव और डी कितना निकाले थे हमने अगेन माइनस फाइव, सो योर आंसर इज माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव वन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस गेट कैंसल, फाइव फाइव गेट कैंसल, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ क्या बचेगा वन, ओके। उसके बाद एक वैल्यू हमारी बाकी है जिसको हम वाई कहेंगे, सो डी वाई इज डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई, डी वाई की वैल्यू है माइनस टू इज डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है माइनस फाइव। तो यहाँ जस्ट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टू अपन फाइव का तो फ्रैक्शन नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये नंबर जैसे का वैसा रहेगा। सो इसी तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है, ओके। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने कंप्लीट कर दिया है, अब उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देख रहे हैं। इसमें तकरीबन चार क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही चार क्वेश्चन दिए हैं और टोटली डिफरेंट है, तो हम सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कभी कभी आपके जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन जनरली बच्चों को नहीं जमते हैं। क्यों नहीं जमते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर में आपको एक्स एंड वाई ये दो वेरिएबल्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो आते हैं देखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, पुट वन अपॉन एक्स को एम एन वन अपॉन वाई को एन पुट करना है। अगर ये वैल्यू आप पुट आउट करते हैं तो आपको इक्वेशंस क्या मिलेंगे देखिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगा। सिमिलरली जब आप इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब ऐसे इक्वेशंस होगी तो आपके पास सॉल्व करने के लिए तो बहुत से तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सॉरी m की कोएफिशिएंट चेक करने का और आपको यहाँ पर n के कोएफिशिएंट चेक करने के, दोनों में से एक वैल्यू को आपको सेम लाना पड़ेगा। जैसे 2 and 8 का LCM आपको यहाँ पर 8 मिलता है, तो आप ये ले सकते हैं या फिर इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर n को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या हो जाएगा देखिएगा, 5 into 2m minus 5 into 3n इज इक्वल टू 5 into 15। तो क्या हो जाएगा 10m minus 15n इज इक्वल टू 54, आपको क्या मिलता है 75। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से। अब वैसे ही इसको 3 से करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आता है। तो आपने अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 into 8m plus 3 into 5n इज इक्वल टू 3 into 77 मिलेगा। तो 8 3 24 और यहाँ पर आपको 15n इज इक्वल टू 3 7 21, रिमेनिंग इज 2, 3 7 21 और 2 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 में n की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई, तो आप यहाँ लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 4। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10m minus 15n इज इक्वल टू 75, सो 24m plus 15n इज इक्वल टू 231। एडिशन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू को आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं इन दोनों का जब एडिशन होता है तो आपको यहाँ पर 4 और यहाँ पर 34m मिलेगा। इन ये आपको यहाँ कट होते हुए नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस 15 और प्लस 15 कट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका एडिशन करेंगे तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10 0 carry 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 306। ओके, अब इसमें आपको करना क्या है देखिएगा, ये 34 जो है उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, m इज इक्वल्स टू 306 इज डिवाइडेड बाय 34 मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 34 के टेबल में कहीं 306 आता है क्या, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम 306 के लिए आपको 34 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से आपको मिल सकता है। 34 9 अगर करके देखते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 9 4 36, रिमेनिंग इज 3, 9 3 27 27 और 3 हो जाता है 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 306। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको मिलेगा 34 1 34 34 9 मिलता है, इसका मतलब m इज इक्वल टू आपको 9 मिल गया। समझ में आ गया, m इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया है 9 निकाला है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, पुट m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर भी वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये थोड़ा सा इजी लग रहा है तो मैं उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं।
तो देखिएगा ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हमने यहाँ पर पुट किए तो 2 × 9 − 3n = 15 मिलता है। 9 × 18 − 3n = 15 −3n = 15 − 18 तो 15 − 18 कितना हुआ −3 बिकॉज −18 ये ग्रेटर नंबर प्रेजेंट है दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर माइनस और माइनस गेट कैंसिल हो जाएंगे सो n = 3/3 = 1 सो योर आंसर इज 1। अब हमने m और n निकाला लेकिन हमें निकालना क्या था x एंड y। तो हमने दो चीजें निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा रीसब्स्टिट्यूट सो या फिर रीपुट भी बोल सकते हो आप रीपुट m = 1/x बट m की वैल्यू क्या थी 9 तो आप जब इस वैल्यू को रिवर्स करोगे इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है सो x = 1/9 मिलेगा। ओके उसी तरीके से आप n को भी रिपुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा n = आपको 1 मिला है लेकिन यहाँ पर 1/y है ये 1 हो गया तो 1/1 1 ही होता है सो y = 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है समझ में आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके अब हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट देखे अब यह क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें 1/x और 1/y प्रेजेंट था और आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1/x + y और 1/x − y मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में भी सेम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को जब अरेंज करेंगे तो इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और एक चीज ध्यान में रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता ही है दैट्स व्हाई आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या करना है जो भी यहाँ पर वैल्यू मिल रही है दोनों में भी आइडेंटिकल मिलेगा तो आपको यहाँ पर पुट करना है 1/x + y = m और 1/x − y को n पुट करना है। ठीक है m और n पुट करने के बाद आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा जिस इक्वेशन में यहाँ पर आपको 10m + 2n = 4 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और उसी तरीके से 15m − 5n = −2 इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए आपको 10 और 15 मिल रहा है यहाँ पर 2 एंड 5 मिल रहा है तो अभी जब इस वैल्यू को अरेंज करेंगे तो ये दोनों में प्लस और माइनस है तो ये हमें आसानी से सॉल्व करने में इजी जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे n को फोकस करेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है दैट्स व्हाई हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ इक्वेशन 1 क्यों क्योंकि मुझे 10 लाना है तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे 10 मिलेगा वो है 5 तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं तो 5 × 10m + 5 × 2n = 5 × 4 तो यहां पर हो गया 50m + 10n = 20 ये लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ओके अब उसी के जैसा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या होगा 2 × 15m − 2 × 5n = 2 × −2
जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी वैल्यूज मिलेंगी जो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आपको 15 टू जा कितना मिलता है, 30m माइनस 5 टू जा 10m इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में आपको एक चीज नजर आएगी कि इसमें n की वैल्यू आपको सेम मिल रही है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल एडिशन करने वाले हैं। तो एडिशन में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन 3 by 4। जब एडिशन करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू को पहले लिखनी पड़ेगी, 50m प्लस 10m इज इक्वल टू 20, और यहां पर मिलेगा 30m माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 4। सिंपल एडिशन करना है आपको। तो यहां पर एक चीज तो नजर आएगा कि n के वैल्यूज आपको कोएफिशिएंट सेम मिल रहे, दैट्स व्हाई ये कट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बचा हुआ टर्म क्या मिल रहा है, यहाँ पर 50 प्लस 30 80m हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, जस्ट ओनली 16। ओके, सो m इज इक्वल टू 16/80। सो योर आंसर इज, यहाँ पर देखिएगा 16 × 16, 16 × 5 = 80 होता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 1/5। ओके, अब उसके बाद इस वैल्यू को आपको पुट करना है, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्योंकि सिंपल वो आपको जाएगा फर्स्ट में ही। तो हम लिखेंगे 10 × 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 5 × 5, 5 × 10, सो 2 + 2n इज इक्वल टू 4। सो 2n इज इक्वल टू 4 − 2, 2n इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। सो n इज इक्वल टू 2/2 कितना होगा, 1। सो n इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब आपके पास m और n दोनों इक्वेशन प्रेजेंट है, तो ये दोनों की वैल्यू को आपको री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखते हैं, तो री पुट m इज इक्वल टू 1/ क्या पुट किया था हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या थी आपकी, 1/5। तो आप यहां पर 1/5 लिखेंगे। अगर आपने इसको रिवर्स किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। आपको इसको इक्वेशन नंबर 5th लिखना पड़ेगा। ओके, उसी तरीके से आपको रिपुट करना है, रिपुट n इज इक्वल टू 1/x − y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, जस्ट ओनली आपको यहां पर जो n की वैल्यू है 1 है, तो आपको मिलेगा 1/1 कितना होता है, x − y इज इक्वल टू 1, क्योंकि रिवर्स करने के बाद या रेसिप्रोकल करने के बाद 1/1 1 ही होता है। तो आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको y आपको प्लस एंड माइनस के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 5th by 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 क्या होगा, यहां पर आपको 2x y कैंसिल हो जाएगा, 6 मिलेगा, x इज इक्वल टू 6/2, योर आंसर इज 3। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 3। आपको इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कहां पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5th में हम कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5th में क्या होगा, 3 + y = 5, सो y इज इक्वल टू 5 − 3, सो योर आंसर इज 2। सो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर फिनिश होता है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
तो 1.4 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, अभी हम देख रहे थर्ड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन से भी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में 1/x, 1/y था, सेकंड क्वेश्चन में 1/x + y, 1/x - y था, इसमें आपको 1/x - 2 और 1/y + 3 के फॉर्म में दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मेथड सेम है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर x और y के जगह पे, y के जगह पे और x के जगह पे आपको यहाँ पर नंबर दिया है। तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट में आपको यही उसी तरीके से पुट करना है। देन नाउ पुट x - 2 = m पुट करेंगे और 1/y + 3 की जगह पे हम n को पुट करेंगे। जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन फॉर्म होंगे, 27m + 31n = 85। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब उसके बाद आपको सेकंड में भी सेम इसी तरीके से आएगा, 31m + 27n = 89। आपको याद होगा कि प्रीवियस कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने ऐसे क्वेश्चंस को देखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पर m की वैल्यू n के साथ और n की वैल्यू m के साथ मैच होती है, तब सबसे पहले हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। सो 27m + 31n = 85 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31m + 27n = 89। तो एडिशन के वक्त आपको प्लस का साइन देना है। यहाँ पर हो जाएगा 85m, यहाँ पर भी 58n मिलेगा। यहाँ देखिएगा 5 और 9 14 होता है, देन कैरी 1 8 8 16 हो गया 17 174। अब यहाँ से आप 58 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपने निकाल दिया तो m + n = 174 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, m + n = 174 इज डिवाइडेड बाय 58 लिखेंगे। अब देखते हैं कि 58 में कहीं 174 आता है क्या। तो 58 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 3 8 24, रिमेनिंग इज 2, 3 5 15 16 17। सो यू आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं और आप 3 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा m + n = आपको 3 मिल गया। आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखिए, ओके। अब हमने जिस तरीके से एडिशन किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। और सब्सट्रैक्शन सेम उसी तरीके से करना है, तो इसलिए कोई डिफिकल्ट वाली बात तो है नहीं। देखिएगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ साइन को ध्यान में रखना है। सो 27m + 31n = 85, और यहाँ पर आपको 31m + 27n = 89 मिलता है। सब्सट्रैक्शन में तो आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो 27 - 31 हो जाएगा -4m + 4n = -4। आप देखिए, यहाँ से आप 4 को या फिर -4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, -4 को कॉमन निकाल दिया। अगर आपने -4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर m - n = -4 मिलेगा। m - n = -4/-4। तो यहाँ पर -4/-4 यहाँ से कट हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 मिलेगा। सो m - n = आपको 1 मिल गया। आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, m इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में आपको m और n की वैल्यू को सेम मिल रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को अरेंज करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m + n = 3, m - n = 1।
सिंपल एडिशन करना है आपको, तो ये कट हो जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 वन्स 2, 2 टूज़ 4, सो m इज इक्वल्स टू आपको जस्ट ओनली 2 मिल गया। तो आपको तो याद होगा कि इस वैल्यू को आपको पुट आउट करना पड़ेगा किस में, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में हमने लास्ट क्वेश्चन में पुट किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन में नंबरिंग बढ़ी है, तो आप इसमें जो छोटे इक्वेशन है थर्ड एंड फोर्थ इनमें से भी पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ। तो क्या होगा देखिएगा, अगर हमने पुट किया तो यहाँ पर आपको 2 प्लस n इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो आप इस वैल्यू को पुट आउट करने के बाद यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो n की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ओके, m और n को रीसब्स्टिट्यूट भी करना है आपको, ये ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे हम रिपुट m इज इक्वल टू, हमने m की वैल्यू क्या कंसिडर किया था, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, m हमारा क्या मिला था 2, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 2 अपॉन 1, सो 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मिलेगा। तो इस वैल्यू को जब ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लस 2 इसके डेनोमीटर में कुछ भी मतलब 1 है, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2, 1 वन ज़ा 1, 2 टू ज़ा 4 और 2 वन ज़ा 2, मतलब आपको मिलेगा 5 बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद आपको n भी पुट करना है, सो रिपुट n इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, n की वैल्यू आपको क्या मिला था 1, सो 1 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश होता है, जिसको आप सॉल्व करना चाहते थे। ओके, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम 1.4 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर भी आपको पुट करना है 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू m, क्योंकि यही टर्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल्स टू आपको n पुट करना है। अगर आपने ये वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो आपको मिलेगा m प्लस n इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये कट हो जाएगा। अब उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है, आप इसमें जब वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 बाय 2 एम माइनस 1 बाय 2 एन इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 मिलेगा। आप 1 बाय 2 को कॉमन निकाल सकते हो, आपने अगर इसको कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से इक्वेशंस मिलेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि 8 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, 1 बाय 2 को हमने तो पहले कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 8 ऑफ ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 इंटू 8, तो 8 गेट कैंसर, 2 1s are 2, 2 4s are 8, so your answer is 4m minus 4n is equals to minus 1, ये आपको मिल गया equation number second। अब इन दोनों equation में आपको n के value आपको same मिल रहे, but negative और positive के form में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, adding equation
वन एंड टू। तो देखिएगा, आप लिखिएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3 और 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू माइनस 1। आपको सिंपल एडिशन करना है, तो सिंपल एडिशन में आपको क्या मिलेगा देखिएगा, इसमें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने के बाद आपको 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3 और 4m प्लस 4 माइनस 4n इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिलता है। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको यहाँ पर 8m मिलेगा, 3 माइनस 1 2 होगा, सो m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8, m इज इक्वल्स टू आपको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो यू आंसर इज 1 बाय 4 मिलेगा। आप इस वैल्यू को पुट आउट कर सकते हो, पुट m इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे आप, 1 या 2 दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 इंटू 1 बाय 4 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3, 4 4 गेट कैंसल, आपको जस्ट 1 मिलेगा। आप इसको क्या कीजिएगा, अरेंज कीजिए, सो 4n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, सो 4n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 के फॉर्म में मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये कट हो जाता है। हमने m और n को निकाला है, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखिएगा, रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीपुट m इज इक्वल्स टू, हमने m क्या लिया था देखिएगा, 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी 1 अपॉन 4, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 1 अपॉन 4। तो ये रेसिप्रोकल रिवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। उसी तरीके से n को भी आप रीपुट कर सकते हो, तो रीपुट n इज इक्वल्स टू आपको 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 बाय 2 मिलेगा। आप इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, अगर ये रिवर्स कर दिए तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू आपको 2 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि थर्ड एंड फोर्थ में प्लस y और माइनस y मिल रहा है, तो आप इसको सिंपल एडिशन कीजिएगा। सो एडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर, तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। सिंपल एडिशन कीजिएगा तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 6x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू आपको 1 मिल गया। अब उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी कर सकते हो, तो हमने फोर्थ में पुट कर दिया। तो फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है कि 3 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2, सो 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माने y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं।